हाय फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपके पास भी SBI बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड में आप ज्यादा अमाउंट को पे कर दिए हैं गलती से, या अपना बिल को दोबारा पे कर दिए, तो उस अमाउंट को आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं। तो कैसे रिडीम करना है, क्या प्रोसेस है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा पास SBI बैंक का तीनों क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें से जो पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड को हम परमानेंटली क्लोज कर दिए है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, उस अमाउंट को हम रिडीम करेंगे। तो आपका केस में कोई भी इश्यू हो सकता है, तो उस हिसाब से जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे कर दिए है, उस अमाउंट को रिडीम करने के लिए सबसे पहले SBI कार्ड एप्स में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा पास सबसे पहले SBI, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, उसके बाद पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड। इसमें लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 00। और साइड में स्क्रॉल करने पर यहाँ पे जो SBI बैंक का BPCL क्रेडिट कार्ड, ये भी मेरा पास एक्टिव है। तो इसमें से जो पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड है, उसमें मेरा ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उस कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ जो सर्विस वाले ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, कार्ड मैनेज, सर्विस, फीस एंड अदर्स। तो यहाँ पे जो फीस वाला ऑप्शन है, या इसका अंदर एक ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस रिफंड, उसका ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है एलिजिबल क्रेडिट बैलेंस रिफंड अमाउंट, मेरा केस में 100.56 रुपीस यहाँ पे हम रिडीम कर सकते हैं। तो रिडीम करने के लिए यहाँ पे जो रुपया का आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपको शो हो रहा है, इस अमाउंट को यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ नीचे की तरफ जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप किस कारण अपना जो अमाउंट है वो रिफंड लेना चाहते हैं, या आपका किस वजह से अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा आ गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरा केस में हम यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट इसके ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ जो टर्म्स कंडीशन दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही साथ आपका नेम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आप पहले से ही SBI कार्ड के थ्रू कोई भी पेमेंट ले चुके हैं, तो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और लेकिन मेरा केस में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए एड ए न्यू अकाउंट, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका नेम देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, IFC कोड, सारे डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। तो हम यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सारे डिटेल्स को फिलअप करके नीचे की तरफ जो टर्म्स कंडीशन है वो एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, उसमें 6-डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट सबमिटेड, डियर अब्दुल अजीज, योर रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड बैलेंस रिफंड हैज बीन सबमिट विथ, आपको एक SRN नंबर मिलेगा, रिफंड विल बी प्रोसेस बाय, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, 4 जनवरी 2024 के अंदर मेरा जो अमाउंट है रिफंड मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसमें भी एक SMS सेंड किया गया है, कौन सा अकाउंट नंबर को हमने फिलअप किया है, उसका IFC कोड और डेट वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके SBI कार्ड्स के थ्रू कोई भी अमाउंट जो है अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रिफंड ले सकते है। और पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड को मैंने किस तरीके से क्लोज किया है वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो का एंड में वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप जरूर जाकर के उस वीडियो को देख करके किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।